अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत इजी रेसिपी, आलू की कतलियाँ, जो ऑफिस के लिए बेस्ट डिश है, बेस्ट है लंच के लिए। आप अपने बच्चों को दीजिए या हस्बैंड को दीजिए, जो भी ऑफिस जाता है उसके लिए। मैंने यहाँ पर लिया है 1 किलो आलू और उसको ऐसे वॉश करके पील करके इस साइज़ में काट लिया है। साथ में मैंने यहाँ ली है 7 से 8 सूखी लाल मिर्ची और 1/2 अनियन। साथ में यहाँ पर कुकर में ऑयल गरम कर लूँगी, या मैंने सरसों का तेल लिया है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। ऑयल जब अच्छे से हीट हो जाए, अच्छे से गरम हो जाए, तो सबसे पहले हमें इसमें मिर्चें हमारी छोड़ देनी है और उसको थोड़ी देर सौते होने के बाद फौरन ही इसमें काली होने से पहले इसमें हम अपनी प्याज डाल देंगे। और प्याज को हम जब तक कुक कर लेंगे जब तक ये अच्छी सी लाइट गोल्डन नहीं हो जाती। जब तक मेरी प्याज अच्छे से गोल्डन हो रही है, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही में ये अनियन को हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये प्याज लगे ना। हाई फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे। अनियन जैसे ही ब्राउन होने लगेगी हम इसमें फौरन डाल देंगे हमारे आलू जो हमने कट करके रख दिए हैं, और आलू डाल के हम इसे अच्छे से एक बार ऊपर नीचे चम्मच चला लेंगे। ऊपर चम्मच नीचे चम्मच चलाने से अच्छा है आप इससे पहले इसमें डाल दें नमक स्वाद अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और इसमें साथ में डाले हैं मैंने 2 छोटे मीडियम टमाटर और थोड़ा सा चॉप्ड हरा धनिया। हरा धनिया इन बिटवीन डालने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, आप ज़रूर ऐसे बना के देखिएगा ये रेसिपी। और इसमें मैं डाल दूँगी 1 कप के लगभग पानी, क्योंकि इसे मैं थोड़ा पानी वाली सब्ज़ी रखूँगी। अगर आपको बिल्कुल खुशक बनानी है, यानी कि एकदम ड्राई बनानी है, तो आप इसमें पानी मत डालिएगा। ये देखिए सिर्फ 4 सीटी के अंदर हमारी सब्ज़ी बिल्कुल अच्छे से बनके तैयार हो गई है। इसको पराठे से खाइए, रोटी से खाइए, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे खाइए। इंशाल्लाह जल्दी मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।